इस वीडियो में हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल और कन्फाउंडिंग वेरिएबल को स्टडी करेंगे कि रिसर्च में एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या होते हैं और कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ एक्सट्रेनियस वेरिएबल? एक ऐसा वेरिएबल जो रिसर्च का पार्ट नहीं है लेकिन उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हो सकता है। एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम रिसर्च में स्टडी नहीं कर रहे, एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम रिसर्च में इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, लेकिन उस वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हो सकता है, ऐसे वेरिएबल को कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इफेक्ट सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर नहीं होता। एक्सपेरिमेंट्स में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन का इफेक्ट स्टडी करता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट के ऊपर इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक एक्स्ट्रा वेरिएबल भी होता है जिसका डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। ऐसे वेरिएबल को कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अब चूंकि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट होता है, इसी वजह से अगर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल ना किया जाए तो रिसर्च के रिजल्ट्स इनएक्यूरेट हो सकते हैं। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जहाँ पे रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करता है और डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इंडिपेंडेंट का इफेक्ट स्टडी करता है, तो वहाँ पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर रिसर्च में एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल ना किया जाए तो रिसर्च के रिजल्ट्स इनएक्यूरेट हो सकते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल की एक एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये स्टडी करते हैं कि नींद की कमी का क्या इफेक्ट होता है ड्राइविंग के ऊपर। ठीक है, तो इस रिसर्च में जो स्लीप डिप्राइवेशन है, जो नींद की कमी है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ड्राइविंग एबिलिटी ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इस रिसर्च में ड्राइविंग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ नींद का इफेक्ट नहीं होता, बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि ड्राइविंग एबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोड कंडीशंस हैं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, नॉइज़ है, ट्रैफिक कंजेशन है। अगर रोड कंडीशन बहुत पुअर है, ड्राइवर के पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस नहीं है, रोड के ऊपर बहुत सारा नॉइज़ है, बहुत सारी ट्रैफिक है, तो नींद के साथ साथ ये भी वेरिएबल्स हैं जो कि ड्राइविंग एबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो एक ऐसा वेरिएबल जो कि रिसर्च का पार्ट नहीं है लेकिन उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हो सकता है, ऐसे वेरिएबल को कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। व्हाट इज कन्फाउंडिंग वेरिएबल? कन्फाउंडिंग वेरिएबल एक्सट्रेनियस वेरिएबल की ही एक टाइप है, लेकिन कन्फाउंडिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स के साथ एसोसिएटेड होता है। जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड होता है, उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर होता है। कन्फाउंडिंग वेरिएबल एक ऐसा एक्सट्रेनियस वेरिएबल है जिसका इफेक्ट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स के ऊपर होता है। अब कन्फाउंडिंग वेरिएबल की एक एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी रिसर्च ये है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज लीड्स टू वेट गेन, कि हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल की एक्सरसाइज नहीं है तो क्या उसका वेट गेन होता है या नहीं होता। ठीक है, हम एक्सरसाइज का इफेक्ट स्टडी करना चाहते हैं वेट गेन के ऊपर। तो इस रिसर्च के अंदर जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है एक्सरसाइज और डिपेंडेंट वेरिएबल है वेट गेन। लेकिन इस रिसर्च में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा भी कुछ वेरिएबल्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस हो सकता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों के ऊपर। अब इस एग्जांपल के अंदर जो कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स हैं वो है एज, जेंडर, हाइट, मेटाबॉलिक रेट। एज, जेंडर, हाइट और मेटाबॉलिक रेट ऐसे कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स हैं जिनका इंडिपेंडेंट के ऊपर भी इफेक्ट होता है और डिपेंडेंट के ऊपर भी इफेक्ट होता है। डिफरेंट एज ग्रुप में एक्सरसाइज का डिफरेंट इफेक्ट होता है वेट गेन के ऊपर। इसी तरह जेंडर की बेस पे भी एक्सरसाइज का इफेक्ट वेट गेन के ऊपर डिफरेंट होता है। हाइट का भी इफेक्ट होता है एक्सरसाइज और वेट गेन के ऊपर। इसी तरह जो मेटाबॉलिक रेट है इसका भी इफेक्ट एक्सरसाइज और वेट गेन दोनों के ऊपर होता है। तो कन्फाउंडिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स के साथ एसोसिएटेड होता है। जब हम रिसर्च में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल के एरो को सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ शो करते हैं, लेकिन जो कन्फाउंडिंग वेरिएबल होता है इसके एरो को हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों के साथ शो करते हैं।